क्यारा सबसे शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं हूँ प्रीतिका। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स के लिए जो है एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जो कि मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है। और ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जब लास्ट में जिनके जो है वन आता है और उन्हें हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे दूँ इस टॉपिक के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आप में से बहुत सारे लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो लोग बैंक की स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं उन्हें पता होगा कि इस वक्त जो है बैंक में अगर आप मेंस का पेपर देते हैं तो DI का पोर्शन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे लेवल का होता है। और बैंक के ही तर्ज पे ही अब आप देखो तो आप अगर स्टेट गवर्नमेंट का पेपर दे रहे हो या फिर अदर कोई पेपर देते हो तो वहाँ पर भी जो है अब DI को इंक्लूड किया जा रहा है। और अभी हाल ही में जो PET का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आपने नोटिस करा होगा कि DI का पोर्शन कितना अच्छा और कितना मॉडरेट लेवल की DI पूछी गई थी। सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के थे और बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपके DI ही थे, ठीक है। तो DI करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन DI करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो भी ट्रिक्स होती हैं हमारी। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और आप वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो बकायदे बैठ करके, तो वो चीज़ें आपको जो है थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो किल कर देंगी, क्योंकि आपको पता होता है कि 2 घंटे का पेपर होता है आपका, 120 मिनट का या फिर कहीं कहीं 1 घंटे का ही होता है, तो उसमें आपको ट्रिक्स बहुत ज़रूरी होता है पता होना। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही छोटा सा वीडियो और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं कि कैसे जिन नंबर्स के लास्ट में 1 होता है हम उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह की और भी सीरीज आगे चलने वाली हैं, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले करने वाले हैं हम टाइप 1। टाइप 1 में आपको दिख रहे होंगे, मैंने आपको बताया है कि हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बट वो नंबर्स के लास्ट में आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 आपको प्रॉब्लम्स यहाँ दी हुई हैं, सभी के लास्ट में 1 रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम अपना 2 डिजिट नंबर लेकर के चलते हैं, सिंपली एकदम आराम से करेंगे, बढ़िया से एक क्वेश्चन करेंगे, आप समझिएगा इसे किस तरह से किया गया है। उसके बाद से जब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना तो आप देखना खुद से आप इतना अच्छा और इतनी जल्द तरीके से करोगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 21 × 41। क्या करना क्या होता है, हमें 1 × 1 का मल्टीप्लाई करना होता है 1, फिर ये जो 4 और 2 है यानी कि जो ये नंबर्स हैं इनको आप ऐड कर लो, तो 4 और 2 होता है 6, इन्हें आप ऐड करोगे और फिर जो है 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8, ठीक है। यानी कि पहले 1 × 1 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो लास्ट में नंबर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें लास्ट में जो है आपका 1 आएगा। तो जब लास्ट में 1 आता है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन तो ऑलवेज 1 होगा, आप सभी को पता है, इसकी टेंशन लेनी नहीं है। करना क्या होता है, नेक्स्ट में आपको जो नंबर्स होते हैं उनको आपको ऐड करना है 4 × 2 = 6, उसके बाद से इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 × 2 = 8। ये हो गया आपका आंसर, देखो कुछ भी नहीं करना, सेकंड फिर आंसर आ गया। लास्ट में 1 है, 1 कर लेंगे, 3 और 1 = 4, और फिर 3 × 1 = 3, खत्म। चलो 1 × 1 ये तो 1 ही हो गया आपका, 6 और 2 होता है 8, और 6 × 2 = 12, क्लियर हो गया। 1 × 1, उसके बाद से आप करोगे 5 और 4 = 9, और 5 × 4 = 20। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन लेकर के कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होने वाले हैं। एक बार मैं हट रही हूँ यहाँ से ताकि आप सारे जो है सॉल्यूशंस को देख सको किस तरह से करना है, बहुत ही इजीली। पहला क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आपको डाउट लगेगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप नेक्स्ट करने लगोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व हो जाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका टाइप 1 है, अब हम करते हैं यहाँ से टाइप 2। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ये है टाइप 2। अब आप सोचो कि यार मैम क्यों बेवकूफ़ बना रही हो, यहाँ पर भी तो आपने नंबर 2 डिजिट के ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। देखो इसके पहले जो मैंने नंबर्स लिए थे उसमें आप देख रहे होंगे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1 × 1 = 1 कर रहे थे, इन दोनों को मैंने ऐड कर रहे थे, तो 6 और 5 = 11। अब देखो वहाँ पर जब आप ऐड कर रहे थे तो सिर्फ सिंगल डिजिट मिल रहा था, लेकिन जब आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो ना तो ये आपको 2 डिजिट का नंबर मिल रहा है। अब आप सोच रहे हो अब क्या करें, तो 6 × 5 होता है 11, तो 11 में से आप ये वाला नंबर यहाँ लिख लेना और जो 1 जो है ना ये आपको हो जाएगा यहाँ पे कैरी, ठीक है। सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर एक आपको कैरी लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से 6 × 5 हो गया आपका 30, और 1 आपका जो कैरी था इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 31 हो गया। इसमें दिक्कत हुई होगी, इसमें नहीं होने वाली है, 1 × 1 = 1 कर दिया। 8 और 4 कितना होता है, 8 और 4 होता है 12, जब 12 लिखोगे तो 12 का 2 यहाँ लिख लिया हमने, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, देखो 8 × 4 = 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33 हो गया यहाँ पे, ये भी आपका फिनिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 × 1 कर दिया, 9 और 6 होता है 15 का 5 हमने यहाँ लिखा, जैसे आप एडिशन में करते हैं सिंपली एकदम वैसे ही करना है,
9, 6, 15 होते हैं, 15 में से हमने 5 यहाँ लिखा, 1 आपका यहाँ कैरी हो गया, 6, 9, 54 और 155 हो गया, तो ये भी आपका खत्म हो गया यहाँ से। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो कितनी इजी तरीके से और कितने आसान तरीके से आप कह सकते हो इसको कि आप इस तरह से देखो डी आई में, अगर इस तरह के क्वेश्चन आप देखो अधिकतर जो है ना ऐसे नंबर्स दिए होते हैं डी आई में कि आपको उन्हें ट्रिक से ही करना होता है, अगर आपको ट्रिक पता है, वरना भाई मल्टीप्लाई करते रहो 1 × 1, 1 × 7, 9 × 1, 9 × 7, फिर उन्हें ऐड करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 1 × 1 ठीक है, अब आपको देखो 7 × 9 कितना होता है, 9 × 7 = 16 होता है ना, 16 का 6 यहाँ लिख लो, ठीक है, 1 आपका कैरी चला गया, 7, 9 = 63 और 1 = 64 खत्म हो गया। इतनी आसान तरीके से हमने टाइप 2 भी कर लिया है, अब आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, देखो चीज़ वही है, प्रोसेस वही है, तरीका वही है, बस आपको यहाँ पे अपना थोड़ा सेकंड्स देना है और आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स लेकर के आऊँगी। चलो एक और टाइप देख लेते हैं जो कि है आपका टाइप 3। ये है हमारा टाइप 3 और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहले हमने किया था 2-2 नंबर्स का और अभी यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर जो है वो 3 डिजिट का है। अब ये मत सोचना कि मैंने यहाँ 3 लिया है, यहाँ 2 ले लिया है, अगर यहाँ पर 3 लेंगे तो भी सेम प्रोसेस ही होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन उस पर करके जरूर दिखा दूंगी, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना हो आपको, आप कितने भी बड़े नंबर्स को लेकर के इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ज़्यादा थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी, तो और नंबर्स का और तरीके से बताएंगे, फिलहाल जो बताया जा रहा है उसको समझिए, सेम चीज़ है, बस पहले क्या था कि हमारे पास ऊपर में सिर्फ 2 डिजिट था, यहाँ पे 3 डिजिट है, लेकिन हम इसको भी 2 डिजिट का नंबर ही लेकर के चलेंगे, 1 × 1 तो 1 आना ही है। अब इसको आप इन दोनों नंबर्स को ना साथ में ले लो, ठीक है, साथ में ले लो मतलब इसे आप एक नंबर पढ़ो यानी कि सिर्फ 12 पढ़ो, तो पहले क्या करना था हमें ऐड करना था, तो 12 और 6 कितना होता है 18 होता है, तो 18 का 8 हम यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ हो गया आपका कैरी, फिर ये नंबर मैंने एक पढ़ा है ना, तो 12 को तो 12 × 6 कर लो, जैसे हम पहले कर रहे थे, पहले एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन, तो 12 × 6 = 72 होता है, यानी कि 72 होता है, और 72 में ये कैरी ऐड करोगे तो ये 73 हो जाएगा। नाउ फिनिश, 1 × 1 1 किया, 18 और 3 कितना हो गया 21 का 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आपका 2 कैरी हो गया, हो गया, अब मल्टीप्लाई आपने प्लस किया, ये देखो इन दोनों को पहले प्लस करा ना, पहले प्लस करा, अब मल्टीप्लाई करना है, 18 × 3 कितना होता है 54 होता है ना, भाई मल्टीप्लाई करके देख लेना आराम से, ठीक है, तो ये 54 और 2 कैरी, ये हो गया आपका 55, 56, 5, 6, 1, 1 ये 1 हो गया, 15 × 2 = 17 होता है, 17 का 7 यहाँ लिखेंगे, 1 आपका फिर कैरी, 15 × 2 = 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31। नेक्स्ट बढ़ेंगे 1 × 1 14 और 7 कितना होता है 7, 4, 11 यानी कि 21 को 1 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, और 2 यहाँ पे वापस से आपका कैरी हो गया, 14 × 7 कितना होता है, ये होता है आपका 98 में 2 ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 100 और ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से सेम प्रोसेस, 1 का तो 1 ही होता है साइड में हर जगह नंबर में, आप अगर ऐसे किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो जिसके लास्ट में 1 आता है सेम, तो आपके लास्ट में हमेशा 1 ही आएगा, इसके लिए आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको दोनों को ऐड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर कैरी आ रहा है तो उसे ऐड करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से टाइप 3 भी हमने कंप्लीट करा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा यार यहाँ पे अगर 3 डिजिट का नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, हम उसे भी करके एक बार देख लेते हैं ताकि जो भी मन में डाउट होगा ना वो आपके क्लियर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप जो है टाइप 4। ये वाले टाइप्स जो हैं अधिकतर नहीं बताए जाते हैं, इसलिए नहीं बताए जाते क्योंकि आपको यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और हम कर रहे हैं यहाँ पे ऐसी ट्रिक्स जो कि सेकंड्स में आपका जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तो यहाँ पे जो कि होने वाला है ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको देखो थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये बड़ा है, इस वजह से इसको नॉर्मली कोई नहीं बताता है या फिर इस चीज़ को जो है हम ट्रिक के फॉर्म में जो है नहीं यूज़ करते, लेकिन फिर भी ये ट्रिक इस पे वर्क करता है कि नहीं करता है ये तो हम डेफिनेटली देखने वाले हैं आज, और बिल्कुल करेगा इस पे। सेम चीज़ करना है, 1 तो 1 रहेगा ही, 11 और 12 इसको मैंने कहा था कि आप इसको एक नंबर मान लो, इसके पहले वाले में कहा था, तो सेम जब इसको मान रहे हो एक ना तो इसको भी एक मान लो, माना, वापस से बोल देती हूँ एक बार, 1 × 1 = 1 ही रहेगा, ठीक है, मैंने कहा था इसके पहले वाले में कि जो 2 डिजिट का नंबर है ना इसको 1 डिजिट का नंबर मान लो, और इसको भी अब आप जो है 1 डिजिट ही मान लो, देखो ये पढ़ाने मिलेगा आज, चलो
तो 11 × 12 कितना होता है, तो ये 11 और 12 को दोनों ऐड करोगे, ये पहले प्लस करो, प्लस हमें करना है कितना हो गया 23 हो गया, 23 का 3 हम कर लो, 2 आपका चला गया कैरी। अब 11 × 12 करना है आपको, सेम चीज़ करना है जो पहले से करते आ रहे हो, यानी कि अब आपको 11 × 12 करना है। तो 11 × 12 कितना होता है, ये होता है 132, 132 में 2 कैरी था तो ये हो गया 134। मोबाइल से या फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आंसर आने वाला है। जो प्रोसेस शुरू से बता रही हूँ, टाइप 1 से बता रही हूँ, सारी चीज़ें वही हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर एक मेरा ग्रुप भी चलता है, KRS सक्सेस शॉर्ट के नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 × 1 अगेन 1, अब आपको फिर से प्लस करना है, यानी कि 18 + 13, इसे भी आप क्या करना है, दो डिजिट का नंबर है इसको 1 मान लो, 18 + 13 कितना हो गया 31, 31 का 1 जो है आप यहाँ कर लो, 3 आपका कैरी हो गया। अब आपको करना है 18 × 13, जैसे आप सिंगल डिजिट नंबर को कर रहे थे वैसे ही डबल डिजिट नंबर को भी करोगे। तो 18 × 13 कितना होता है आपका, लास्ट में आपका 4 आएगा, यानी कि 234 और 3 कैरी हो गया 237, ठीक है 237। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना एक बार ज़रूर से, ठीक है, देख लेना यही आने वाला है। तो जितने बड़े नंबर लोगे इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, लेकिन जितना बड़ा करोगे ना फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको 18 और 13 का मल्टीप्लीकेशन नहीं पता है तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे वहाँ पे, ठीक है, या फिर टू डिजिट के मल्टीप्लीकेशन से कर भी लोगे, जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोज़ में बताया भी है कि कैसे ट्रिक को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को, और आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं यकीन मानिए, जैसे कि अभी स्टेट में भी आ चुका है DI टेट एंड रिपिटेशन को बहुत तगड़े तरीके से यूज़ किया जा रहा है, वैसे अभी आपके हर एग्ज़ाम में आपको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो कि DI से होंगे। और DI करने का मतलब है कि आपको ट्रिक्स ज़रूर से आनी चाहिए, छोटे छोटे नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, किस तरह से उसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से ट्रिक के बेस पे की जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले कई सारे वीडियोज़ में सीखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।